हेलो एवरीवन, फॉर टुडे द टॉपिक इज मंकी पॉक्स। क्यों कर रहे हैं हम डिस्कस? बिकॉज ये न्यूज में चल रहा है। जो WHO है उन्होंने रिसेंटली मंकी पॉक्स को एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जाहिर किया है। एंड मोर ओवर जो US है, US ने भी मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का टैग दे दिया है, जिस वजह से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है फॉर आर UPSC प्रस्पेक्टिव। क्योंकि UPSC कोई भी अगर डिजीज न्यूज में चल रही होती है उसकी डिटेल्स में से क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है मंकी पॉक्स। जो मंकी पॉक्स वायरस है या फिर ये डिजीज है, इट इज वायरल जूनोटिक डिजीज। एक टर्म है विच इज वायरल जूनोटिक डिजीज। वायरल मतलब वायरस से हो रहा है, जूनोटिक मतलब क्या है, जूनोटिक मतलब एनिमल्स टू ह्यूमन एंड ह्यूमंस टू एनिमल जो स्प्रेड हो रहा है, एनिमल्स टू ह्यूमन एंड ह्यूमंस टू एनिमल्स, ऐसा स्प्रेड है ये। जो इसकी हम बोल सकते हैं इसके जो सिम्टम्स है या फिर जो इसकी लेजन्स होती है, इट इज सिमिलर टू द स्मॉल पॉक्स। सारी नहीं बट कुछ कुछ, जैसे कि फीवर हो जाता है, जैसे कि रैशेस हो जाते हैं। एंड मोर ओवर जो आपको याद रखना है, ये वेरी सुवेयर नहीं है, इट इज नॉट वेरी सुवेयर। ऐसा क्यों, इसका मतलब क्या है? नॉट वेरी सुवेयर नहीं है, इसका मतलब ये है इसका फर्टिलिटी रेट कम है। फर्टिलिटी रेट मतलब कि अगर 100 लोगों को मंकी पॉक्स से इंफेक्शन हो रही है तो उसमें से जो एक है वो ही मरेगा, 1% विल डाई। जिसका मतलब ये होता है कि इसकी जो सिवेरिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू द अदर डिजीजेस। तो पढ़ते हैं, इट इज अ वायरल जूनोटिक डिजीज, जैसे कि अभी बताया है। इसकी ट्रांसमिशन हो रही है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। इट इज आइडेंटिफाइड एज पॉक्स लाइक डिजीज। पॉक्स लाइक डिजीज इसको बोला जाता है। क्यों इसको मंकी पॉक्स बोला जाता है? क्योंकि पहली बार ये मंकी में डिटेक्ट हुआ था, दैट इज वाई इट इज नोन एज मंकी पॉक्स। एंडमिक है नाइजीरिया के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी इतना ज्यादा जो माइन्यूट डिटेल है वो UPSC में पूछ ली जाती है। जो मंकी पॉक्स वायरस है वो किसका मेंबर है? ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का। ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का क्या है? मेंबर है। और फैमिली कौन सी है? पॉक्स वेरिडी। पॉक्स वेरिडी इज द फैमिली और जो जीनस है दैट इज ऑर्थोपॉक्स वायरस। तो आपको याद रखना है, जो मंकी पॉक्स प्राइमरली अकर इन द सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका। देखो जो मंकी पॉक्स है इसके दो तरीके के वेरिएंट है, एक है हमारे पास वेस्टर्न अफ्रीकन वेरिएंट, दूसरा है हमारे पास सेंट्रल अफ्रीकन वेरिएंट। जो सेंट्रल अफ्रीकन वेरिएंट है उसको हम कॉन्गो वेरिएंट भी बोलते हैं, वो ही ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहा है और वो ही ज्यादा डेंजरस है। तो यही चीज बताई हुई है यहाँ पे, मंकी पॉक्स प्राइमरली अकर इन द सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका, often in proximity to the tropical rainforest and has been increasingly appearing in the urban area. Animal hosts include a range of rodents and non-human primates also. तो आगे चलते हैं, I hope आपको यहाँ पे तीन पॉइंट समझ में आगे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंकी पॉक्स के सिम्टम्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके सिम्टम्स है क्या। हेडेक, टायर्डनेस, स्वोलन लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होता है? व्हाट इज दिस स्वोलन लिम्फ नोड्स? हमारी बॉडी में आपको पता है जैसे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरीके से एक लिम्फैटिक सिस्टम भी होता है जो डिफेंस के लिए हेल्प करता है। जो हमारी लिम्फ होती है बॉडी में, द लिम्फ इन अ बॉडी, लिम्फ है क्या? ये एक फ्लूइड ही है, जिस तरीके से प्लाज्मा या ब्लड हमारा एक फ्लूइड है, लिम्फ भी एक फ्लूइड है। बस इसमें क्या होता है, प्लाज्मा माइनस RBC। तो ये जो लिम्फ है ये कलेक्ट कहाँ पे होती है? लिम्फ नोड्स में होती है। तो ये हमारी बॉडी में बहुत बहुत जगह पे लिम्फ नोड्स है, वो जो लिम्फ नोड्स है वो स्वोलन हो जाती है इन केस ऑफ मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन। फीवर होगा, रैश होगा, बॉडी एक्स, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। आपको याद रखने हैं मंकी पॉक्स के सिम्टम क्या है। आगे चलते हैं, अब इसका ट्रांसमिशन क्या है, किस तरीके से ये ट्रांसमिट हो सकता है। या तो ये एनिमल से ही ट्रांसमिट हो जाएगा या फिर ये ह्यूमन से ट्रांसमिट होगा। अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है या फिर हमने किसी इन्फेक्टेड एनिमल का मीट खा लिया है तो ऑब्वियसली वो तो ट्रांसमिट होएगा ही। ह्यूमन से कैसे हो सकता है? ह्यूमन से हो सकता है जैसे कि लीजन से हो, किसी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके लीजन हुई है, कोई दिक्कत है उसमें, अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में आ जाओगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगी। बॉडी फ्लूइड से हो सकता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, कोई कफ कर रहा है बहुत जोर जोर से और उसको मंकी पॉक्स हुआ है तो वो जो ड्रॉपलेट्स है वो आपके मुंह में जा सकती है और आपको मंकी पॉक्स हो सकता है। तो आपको याद रखना है
कि जो प्राइमरी इन्फेक्शन इज थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, बॉडीली फ्लूइड और क्यूटेनियस. क्यूटेनियस मतलब होता है स्किन, और द म्यूकोसल लेजन ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल eating inadequately cooked meat of infected animal is also a risk factor. यही बताया है पहला point. दूसरी चीज क्या है, human to human transmission भी हो सकती है. This can result from close contact with the infected respiratory tract secretion, skin lesion of an infected person, and it could be from any object जो infected person के साथ contact में आया होगा. Next, ट्रांसमिशन कैन ऑल्सो बी थ्रू द प्लासेंटा, कंजेनाइटल मंकी पॉक्स. कंजेनाइटल मंकी पॉक्स मतलब मदर टू फीटस. अगर मदर टू फीटस भी हो गया मंकी पॉक्स, तो जो बच्चा है, जो बेबी है, उसको भी मंकी पॉक्स डिटेक्ट ही होगा. नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारे पास मंकी पॉक्स है, इट इज अ सेल्फ लिमिटेड डिजीज. ये पॉइंट करने से पहले दो टर्म्स के बारे में बात करते हैं. वन इज इंक्यूबेशन एंड अदर टर्म इज इन्वेजन. एक टर्म हमारे पास है इंक्यूबेशन और दूसरी टर्म है इन्वेजन. इंक्यूबेशन का मतलब क्या है, इन्वेजन का मतलब क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है, आपने सुनो होगा जब भी आप डिजीजेस की बात करते हो, इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब कोई वायरस से हम इफेक्ट हो चुके हैं बट उसने अभी सिम्टम्स दिखाने शुरू नहीं करे. हम इफेक्ट हो गए वायरस से बट उसने अभी तक सिम्टम्स दिखाने शुरू नहीं करे, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड. और इसके केस में इंक्यूबेशन पीरियड है 6-13 दिनों का. आई होप यू गॉट इट व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड. व्हाट इज इन्वेजन पीरियड? इन्वेजन पीरियड है कि जो वायरस है उसने सिम्टम्स दिखाने शुरू कर दिए हैं. अब उसने सिम्टम्स दिखाने शुरू कर दिए, टिल द टाइम जब तक वो सिम्टम्स खत्म नहीं हो जाते, दैट इज इन्वेजन पीरियड. और मंकी पॉक्स के केस में वो वाला जो टाइम है दैट इज 0-5 days, राइट? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इंक्यूबेशन एंड इन्वेजन पीरियड. अब ये वाली लाइन पढ़ते हैं. मंकी पॉक्स इज यूजुअली सेल्फ लिमिटेड डिजीज. सेल्फ लिमिटेड का मतलब क्या है कि जो मंकी पॉक्स, अगर कोई इंसान मंकी पॉक्स से इफेक्ट होगा, उसको इन्फेक्शन होगी, तो वो अपने आप 2-4 हफ्तों में ठीक हो जाएगी. डज नॉट नेसेसरी कि अगर आपको मेडिसिन लेने पड़े ना पड़े, अंटिल और अनलेस वो बहुत ज्यादा स्वेयर हो, बट वो अपने आप ठीक हो जाएगा. दैट इज वाई इसको सेल्फ लिमिटेड बोला जाता है. मंकी पॉक्स इज यूजुअली सेल्फ लिमिटेड डिजीज विद द सिम्टम लास्टिंग फॉर 2-4 वीक्स. और फर्टिलिटी जो रेट है दैट इज वेरी लेस, सिर्फ 3-6% का फर्टिलिटी रेट है. डेथ रेट मतलब जो इतने सारे लोगों को इन्फेक्शन हो रही है उसमें से सिर्फ 3-6% लोग क्या हो रहे हैं, फेटल हो रहे हैं, डाई हो रहे हैं, तो वो बहुत कम है और सिम्टम्स अपने आप चले जाएंगे. आई होप आपको ट्रांसमिशन समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, अगर हम आउटब्रेक की बात करें तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि इसका आउटब्रेक शुरू हुआ कहाँ से. तो इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1958 में पहली बार आउटब्रेक हुआ है. कहाँ पे हुआ है? कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में. तो आपने बिल्कुल याद रखना है ह्यूमंस में हुआ था 1970 में. तो आपको याद रखना है मंकी पॉक्स का फर्स्ट आउटब्रेक कॉन्गो में ही हुआ है. नेक्स्ट 2017 में नाइजीरिया एक्सपीरियंस द लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेड आउटब्रेक 40 years आफ्टर द लास्ट केस कंसर्न. 40 साल बाद दोबारा नाइजीरिया में हुआ है और अब तो धीरे धीरे ये स्प्रेड हो ही रहा है ग्लोबली. नेक्स्ट, variability, vulnerability, sorry, it spreads rapidly and can cause 1 out of 10 deaths if infected. Yes, that is what I told you. Fatality rate बहुत ज़्यादा कम है. Treatment क्या है? देखो जो इसकी treatment है, as such कोई इसके लिए specific vaccine नहीं बनाई गई, but जो smallpox हमारे पास एक disease आता है, उसका जो वैक्सीन है वो इसके 85% रिकवरी कर रहा है. तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इसमें यूटिलाइज हो रहा है. मोर ओवर जो यूरोपियन मेडिकल एजेंसी है उन्होंने एक ड्रग का लाइसेंस लिया है, दैट इज टीकोविरामेट, जो इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए, मंकी पॉक्स के लिए यूज करी जा सकती है. तो आपने ये दोनों चीजें याद रखनी है. सबसे पहली चीज एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन और दूसरी विच इज इन न्यूज इज दैट यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने एक मेडिसिन टीकोविरामेट का क्या लिया हुआ है, लाइसेंस ले लिया है, विच कैन बी यूटिलाइज्ड और विच कैन बी बेनिफिशियल इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्फेक्शन. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रिवेंशन. प्रिवेंशन क्या हो सकती है?
ऑब्वियसली अगर इसका कोई एज सच क्या नहीं है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम प्रिवेंट तो कर सकते हैं. प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सर्वीलियंस. सर्वीलियंस मतलब क्या होता है, जैसे कि कोविड 19 में क्या हो रहा था कि लोग अपने आप को क्वारंटीन कर ही नहीं रहे थे, हॉस्पिटल जा ही नहीं रहे थे, डर रहे थे अगर हॉस्पिटल चले गए तो वहां से वापस नहीं आएंगे. वो इस केस में नहीं करना, क्वारंटीन कर लो अपने आप को, अपने आप को कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन कर लो ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन इजिली स्प्रेड हो रही है. अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करो, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, तो लोगों को अवेयर करो. अवेयरनेस से क्या होगा, इन्फेक्शन के बारे में पता लगेगा और लोग आगे से ज्यादा केयरफुल होंगे. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंप्लीट टॉपिक ऑफ मंकी पॉक्स. सो बिफोर एंडिंग, लेट्स मूव टू सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू मंकी पॉक्स. आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू विल बी रिप्लाइंग इन कमेंट बॉक्स. तो बताना जरूर, हाउ डज अ पर्सन गेट मंकी पॉक्स, आपको बताना पड़ेगा. बहुत ज्यादा इजी सवाल है कि एक इंसान किस तरीके से मंकी पॉक्स से इन्फेक्ट होता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय पॉक्स वायरस इन ह्यूमंस. अभी अभी बताया था मैंने आपको जीनस और फैमिली, तो ये उसी में से सवाल है, तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या है. सो रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.